आज हम जानने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में, जिसे द मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट और जापान का सुइसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह दुनिया का सेकंड मोस्ट हॉरर प्लेस भी है। फॉरेस्ट जापान के माउंट फ्यूजी के बेस के पास में स्थित है। यह जंगल तब बना था जब माउंट फ्यूजी 1864 में फूटा था और ड्राइड लावा की वजह से इस फॉरेस्ट का बेस बना। यहाँ के पेड़ों का अनयूजुअल स्ट्रक्चर रहता है। चूंकि यहाँ के सभी पेड़ पौधे साल भर बढ़ते हैं, इसलिए इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर चिड़ियों के चहचहाने के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देगा। फॉरेस्ट में हर साल हजारों टूरिस्ट और पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट आते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 80% लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यह दुनिया की सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है और जापान का नंबर वन सुसाइड स्पॉट है। इस फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर ऐसे साइन बोर्ड्स लगे हैं जो सुसाइडल थॉट्स वाले लोगों को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। इन साइन बोर्ड पर एक सुसाइड प्रिवेंशन नंबर भी मेंशन किया गया है, पर मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स इन साइंस को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उनका इंटेंशन बस केवल इस फॉरेस्ट की सुंदरता को निहारने का ही होता है। पर कुछ ऐसे भी ट्रैवलर्स होते हैं जो नॉर्मल रास्तों से हटकर अनजान रास्तों पर चले जाते हैं और इन अनजान रास्तों से जाते समय वह अपने पीछे एक कलर टेप का ट्रेल छोड़ जाते हैं। इन कलर टेप का ट्रेल वह लोग भी बनाते हैं जो इस फॉरेस्ट में सुसाइड करने आते हैं, पर वह अपने सुसाइड के डिसीजन पर श्योर नहीं होते। एक जापानीज जियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है, जो कि इस फॉरेस्ट को पिछले 30 साल से स्टडी करते आ रहे हैं, ने एक इंटरव्यू में बताया है कि आप कलर टेप के ट्रेल को फॉलो करेंगे तो उसके एंड पर आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। यह उन लोगों का सामान हो सकता है जो यहाँ पर सुसाइड करने आए पर फिर घर लौट गए, या फिर किसी की डेड बॉडी जिन्होंने अपना माइंड फिक्स कर रखा था कि उन्हें सुसाइड करना है। इस फॉरेस्ट में इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज मिलती है कि अधिकारियों को इस फॉरेस्ट की रेगुलर जांच करनी पड़ती है बॉडीज को कलेक्ट करने के लिए। कुछ आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर हर हफ्ते कम से कम 2 डेड बॉडीज मिलती हैं। वैसे एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है क्योंकि यह अब अवेलेबल नहीं है, और तो और कुछ बॉडीज को तो कुछ सालों के बाद खोजा जाता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर फांसी लगाते हैं या फिर स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज कर लेते हैं। पर आखिर वह कौन लोग हैं जो यहाँ पर सुसाइड करने आते हैं और इसका क्या रीजन हो सकता है? Well, most of them are Japanese businessmen, जिनकी एज 40 से 50 के बीच में आंकी गई है, और हर साल यह देखा गया है कि ज्यादातर सुसाइड्स मार्च के महीने में होती है। मार्च के महीने को फाइनेंशियल ईयर का एंड माना जाता है, और शायद यही वजह हो सकती है कि बिजनेसमैन लॉस फेस कर रहे होते हैं और इसलिए वह सुसाइड भी करते हैं। पर सुसाइड करने के लिए फॉरेस्ट को ही क्यों चुना जाता है? वेल, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। 1960 में एक जापानीज ऑथर ने एक नोवेल लिखी जिसका नाम था द ब्लैक सी ऑफ ट्रीज। इस नोवेल की स्टोरी के एंड में दो प्यार करने वाले फॉरेस्ट में सुसाइड कर लेते हैं, और यह नोवेल इतनी प्रभावित हुई कि कई लोगों ने उस नोवेल के कपल्स की तरह फॉरेस्ट में सुसाइड करने की कोशिश की है। इसके साथ ही एक और कंट्रोवर्शियल बुक पब्लिश की गई 1993 में, जिसका नाम रखा गया द कंप्लीट सुसाइड मैनुअल, और यह नॉवल वास्तविकता में फॉरेस्ट को सुसाइड करने के लिए परफेक्ट जगह बताती है। कुछ लोग हैं जो इस थ्योरी को नकारते हैं, पर इन बुक्स की कॉपीज कुछ डेड बॉडीज के पास पाई गई है, जिससे साबित होता है कि इन बुक्स ने उन लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर डाला है। यद्यपि फॉरेस्ट में पिछले कुछ दशक से सुसाइड बहुत बढ़ गई है, पर यहाँ पर डेथ की बात की जाए तो 19 सेंचुरी की शुरुआत में जापानीज फैमिली भुखमरी के दौरान अपने बूढ़े बुजुर्गों को इस जंगल में ले जाकर छोड़ देते थे, और बुजुर्गों की कुछ दिनों के बाद भूख के कारण मृत्यु हो जाती थी। इतनी सारी डेथ्स के बारे में सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि इसे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहना गलत है? और तो और यहाँ पर वाइट स्पिरिट्स को भी स्पॉट किया गया है। जापानीज लोगों में एक स्टोरी बहुत मशहूर है कि यहाँ पर आत्माएं घूमती हैं। यूरी एक ऐसी स्पिरिट होती है जिसकी मौत अननेचुरल या वायलेंट तरीके से की हुई हो। यह स्पिरिट्स इस फॉरेस्ट को हॉन्ट करती है। कहा जाता है कि जो यहाँ पर आत्महत्या करने आता है, उन्हें ये आत्माएं सुसाइड करने के लिए प्रोवोक करती है। फॉरेस्ट के अंदर जाते ही मोबाइल और कंपास और GPS सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ की वोल्कानिक मिट्टी में मैग्नेटिक आयरन पाया जाता है। फॉरेस्ट के लोकल लोगों को तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ होने से। उन्होंने बताया है कि किस तरह उन्हें रात में यहाँ पर चीखें सुनाई देती हैं। इतनी सुंदर और शांत जगह इतना खौफनाक रूप ले सकती है, यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फिर भी इन सुसाइड्स को रोकने का एक तरीका हो सकता है।
साइंटिस्ट्स ने एस्टीमेट किया है कि जैसे इस फॉरेस्ट का नेचुरल जम हुआ है, वैसे ही इसका जल्द ही नेचुरल एंड भी हो जाएगा, क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत है कि माउंट फ्यूजी आने वाले सालों में फिर से इरप्ट हो जाए और उसकी वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पति बच नहीं पाएंगे। पर जितने लोगों की लाइफ फॉरेस्ट ने ली है, उनकी मेमोरीज हमेशा रह जाएंगी।